ये देखिए भाइयों, ये गांव झुरका पूरा है, गोरे का जंगल है भाई। थामने तो पड़ती आलू नहीं है क्या भाइयों? ये देखिए झुरगांव की पेड्डी है ये। काफी बढ़िया पेड्डी हुई है और इधर ये बोर्ड है। गुहार देखो कितनी बढ़िया हो रही है। पेटी कितनी तकड़ी है ये देखिए भाइयों। ये देखिए भाइयों, झुरगांव में कैसा ही है, सब भाइयों के ईंख बंद चुके हैं। मैं आज अपने खेत पर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा कि वीडियो बना दी जाए। रास्ते का नज़ारा बहुत बढ़िया है, ये देखो ये पछेत्ता गन्ना है और ये आपको पछेत्ता दिखाया जाएगा जो फागण के बराबर हो रहा। ये देखिए भाइयों, ये पछेत्ता गन्ना है और ये कोई 8-10 दिन में बंधाई आ जाएगा, 10-12 दिन में बंदाई आ जाएगा ज्यादा ज्यादा। ये देखो कितना बढ़िया पिंडी हो रही है, ये सही टाइम पर बंदाई की गई इसकी, क्योंकि इसकी बढ़वार ज्यादा होगी और पिंडी का चूना कुछ नीचे लग गया तो ये बढ़िया फूट होगी इसमें जा और बढ़िया पिंडी लिख रही है। आगे चलते हैं जा भाइयों, ये देखिए बोर्ड, ये अगेता है और वो फागण वो उसका गेहूं का था, इनमें कोई अंतर नहीं था। ये देखिए किसान के पास में कितनी बढ़िया ज्वार खड़ी है, 1-2 बीघा नहीं है भाइयों, ये कोई 6-7 बीघे का खेत है और बाढ़ भी दिखाऊंगा मैं इनका कितना साफ है, शौकीन किसान है। ये देखिए भाइयों बाढ़ कितना साफ है और कितनी बढ़िया ज्वार खड़ी कर लो। ये देखिए भाइयों गेहूं का है और फूट इसमें बहुत ज्यादा, किसान ने बाजरा बो रखा रहा के दौरे पे, इससे निहार का निहार और की सेफ्टी ताकि कोई नीलगा ना कुदर डायरेक्ट। ये देखिए कांटा है जी हमारा, इसमें ज्वार बो रखी थी और ये बाग आ गया। ये भाइयों बाग 16 बीघे के आसपास में है, 15-16, 8-9 बीघे का पूरा है, 8-9 बीघे का पर लिखो। ये देखिए भाइयों बोर्ड बन गया, बंद कर लेते। ये देखिए भाइयों।